Very warm welcome to you all students. In our last lecture, we were studying about the structure of a DNA, okay? And there we were studying about the double helix model of the DNA which was proposed by Watson and Crick. So in our last video, we had studied ki there is a complete two polynucleotides are there which are in anti-parallel position with each other. Means if one chain is from 5 prime to 3 prime end, the other will be from 3 prime to 5 prime end. Okay. Then we had studied ki that the DNA mein jo basic unit is, that is a न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं. एक शुगर होगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, दैट इज़ जॉइंट टुगेदर बाय अ नाइट्रोजनस बेस विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और एक बॉन्ड लगा होता है बेस से फॉस्फेट मॉइटी के बीच में, जिसको हम फॉस्फेस्ट बॉन्ड कहते हैं. तो वो एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है. और इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइंट टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और एक कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक फिफ्थ पोजिशन फ्री होती है. जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फिफ्थ पोजिशन फ्री होता है, उसको हम फाइव प्राइम एंड कहते हैं, ठीक है. और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड का शुगर बेस होगा, शुगर होगा, उसमें एक थर्ड पोजिशन फ्री होती है, तो उसको हम थ्री प्राइम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक उसी तरह से एक और चेन होगी साइड में उसके, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, जिसकी पोलैरिटी जो है वो उल्टी होगी. अगर ये वाला पहला वाला फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड था, तो ये वाला जो दूसरी जो चेन होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, थ्री प्राइम टू द थ्री प्राइम टू जो नीचे वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइव प्राइम एंड. ओके, इफ़ दिस इज़ अ थ्री प्राइम एंड, दिस एंड विल बी द फाइव प्राइम एंड. ओके, मीन्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा. ओके, सो एग्जैक्टली सिमिलर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी दोनों की. फिर हमने शारगाफ रूल के बारे में पढ़ा था कि शारगाफ रूल में किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एडिनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करता है, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ. तो अकॉर्डिंग टू शारगाफ रूल, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन अ डीएनए इज़ इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन एंड द परसेंटेज ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू थायमिन. या अदर वर्ड्स में कहे तो द रेशियो ऑफ द प्योरिन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पाइरिमिडिन. ठीक है, दैट इज़ द शारगाफ रूल. अच्छा, नाउ वी वर स्टडिंग अबाउट द पेयरिंग ऑफ द बेसिस. अब ये पेयरिंग जो होती है उसके लिए भी एक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स का होता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. क्योंकि ये वीक फोर्स होता है, इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन्स. ठीक है, एडेनिन थायमिन से हमेशा डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट द बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इज़ ऑलवेज अ डबल बॉन्ड, बट द बॉन्ड बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन इज़ ऑलवेज अ ट्रिपल बॉन्ड. और दोनों दिस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये चूंकि वीक होता है, इसलिए हम इसको हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर एक चेन का हमको बेसिस पता हो, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हमको बेस पता हो, तो दूसरा वाला जस्ट उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और वो हम ईजिली जो है वो बता सकते हैं. ठीक है, इसीलिए अगर कोई एक डीएनए का थ्रेड, एक डीएनए की चेन हमको मिल जाती है, तो हम उसका दूसरा डीएनए का चेन जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसका बेसिस क्या है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसका सीक्वेंस हमको, बेसिस का सीक्वेंस हमको पता होगा. क्योंकि अगर सपोज ये पहली वाली जो चेन है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, इट इज़ हैविंग द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस लाइक ए सी टी एंड जी, तो ऑब्वियसली इसकी जो दूसरी चेन होगी उसका क्या बेसिस होगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ए है तो यहाँ पे टी होगा, सी है तो दिस वन बी हैविंग जी, टी है तो ए होगा, जी है तो सी, क्योंकि हमेशा एडेनिन विल कंबाइन विद द पेयर विद द थायमिन, और ग्वानिन विल एवरी टाइम पेयर विद द साइटोसिन. ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन, और एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ठीक है, ओके, नाउ अर्लियर वी आर स्टडीड कि हम जो है डीएनए का थ्रेड की लंबाई जो है उसके बेस पेयर्स से नापते हैं. तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जितने ही ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी लंबाई होगी. ठीक है, तो ये डीएनए कितना लंबा है, दैट इज़ फोर न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग.
ठीक है, अगर हम बेस पेयर्स के बाद के टर्म्स में बात करें तो दिस डीएनए थ्रेड इज, दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज फोर बेस पेयर लॉन्ग बिकॉज इट इज हैविंग फोर बेसेस ओनली, फोर बेस पेयर्स ओनली. ठीक है, सो दैट वॉज द मीनिंग ऑफ दैट बीपी और न्यूक्लियोटाइड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डीएनए. ओके, अच्छा अब होता क्या है कि ये जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन ए और टी और जी और सी, इसकी वजह से जो है इन बॉन्डिंग, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में क्या करता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों थ्रेड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ये थ्रेड और ये थ्रेड, ये दोनों आपस में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस, ठीक है, ये दो जो चेन्स है ये थोड़ा से ट्विस्टेड हो जाते हैं, ये स्ट्रेट नहीं रह जाते हैं. दे फॉर्म अ टाइप ऑफ हेलिकल, दे एक्वायर अ टाइप ऑफ हेलिकल नेचर. ठीक है, वो कुछ जो है वो इस तरह से हो जाते हैं. लेट मी शो यू. ठीक है, दे एक्वायर अ लिटिल बिट हेलिकल नेचर समवॉट लाइक दिस. ठीक है, कैन सी दिस. तो ये एक थ्रेड है विच इज़ फ्रॉम 5' to 3' एंड, और जो दूसरी चेन है वो क्या है, 3' to 5' एंड है. ठीक है, यू कैन सी दिस, आई एम जस्ट जूमिंग इन अ बिट. ओके, तो वो दोनों चेन क्या हो गई, अब एक हेलिकल मॉडल जो है वो थोड़ा सा पैटर्न में ट्विस्ट हो गई, और यही हेलिकल मॉडल जो है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें. ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो है यू कैन सी द ग्रूव्स ओवर हियर, ये जो छोटा सा ग्रूव है, ठीक है, यहाँ पे जो कम टर्न्स, ये जो टर्न्स में यहाँ पे छोटा सा ग्रूव बन रहा है, गड्ढा बन रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा टर्न है तो इसको हम माइनर ग्रूव बोलते हैं, एंड बिकॉज हियर देर इज़ अ मेजर गैप बिटवीन हियर, बिटवीन दिस टर्न एंड दिस टर्न, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज अ मेजर ग्रूव. ठीक है, तो जहाँ पे टर्न जो है वो थोड़ा सा कम होगा तो उसको हम माइनर ग्रूव बोलते हैं, और जहाँ ज़्यादा होगा उसको हम मेजर ग्रूव बोलते हैं. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर द बेसिस, और ये आपस में क्या होंगे, बेस पेयर्स कहलाते हैं. ठीक है, ये जो बीच में एक डॉटेड लाइन गई है, दिस इज़ द मीन एक्सिस और द मीडियम एक्सिस है. ठीक है, ओके, नाउ ये जो बेस पेयर्स है, तो बेस, हर एक बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके, लाइक यू कैन सी हियर इन द प्रीवियस डायग्राम ऑल्सो वी हैड सीन कि ये जो डिस्टेंसेज है बेसिस के बीच में वो क्या है, ये ऑलमोस्ट क्या है, फिक्स्ड है, इक्वल होंगे. थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में डिफरेंस आ सकता है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि इन बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स्ड नेचर के होते हैं. ओके, ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट, और ये जो हेलिक्स बना है, ये थोड़ा सा, ये जो टर्न है या जो ट्विस्ट है वो राइट हैंड की तरफ है, तो इस ट्विस्ट को हम राइट हैंडेड ट्विस्ट कहते हैं. ठीक है, इस डीएनए के ट्विस्ट को, चूंकि ये राइट की तरफ है मुड़ा हुआ, तो हम इसको राइट हैंडेड ट्विस्ट कहते हैं. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज, तो इस तरह का डीएनए जो राइट हैंडेड हो, ठीक है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, बी डीएनए. ये डीएनए जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, बी डीएनए हो सकता है, जेड डीएनए हो सकता है. ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट ये जो मॉडल हमने बनाया है, ठीक है, दिस मॉडल इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बी डीएनए. तो बी डीएनए की खास बात क्या होती है कि जो इसका पिच ऑफ द हेलिक्स है, ठीक है, अब ये पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रुप्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रुप्स. ठीक है, सपोज कि दिस इज़ वन माइनर ग्रुप, ठीक है, और दिस इज़ वन माइनर ग्रुप और ये जो है एक माइनर ग्रुप है. ठीक है, तो माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप का डिस्टेंस, ठीक है, या मेजर ग्रुप है और ऊपर कोई एक और मेजर ग्रुप होगा वहाँ से. ठीक है, जैसे कि हम वेव्स पढ़ते हैं ना, तो हमने वेव्स में पढ़ा है क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं ना. ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन
the distance between the two minor grooves or the distance between the two major grooves is termed as a pitch of the helix. तो इस BTNA में जो pitch of the helix होती है उसका कितना होता है वो, that is 3.4 nanometer. okay, that is 3.4 nanometer. तो what is pitch? Pitch is the distance between two minor grooves or the distance between two major group, and that is 3.4 nanometer. this data you must remember. ठीक है, और इससे पहले वी हैव स्टडीड कि द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज़ फिक्स्ड. ठीक है, हर एक टर्न जो होती है डीएनए की, ठीक है, उसमें जो है हर एक टर्न में जो है वो 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, सो द पिच ऑफ द हेलिक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रुप्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रुप, एंड दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, और हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ बेस पेयर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होंगे, और जो डिस्टेंस है हर एक टर्न का, यानी जो पिच ऑफ द हेलिक्स है वो क्या है, 3.4 नैनोमीटर है. सो इफ़ यू आर आस्क व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स, तो हम क्या करेंगे कि जो पिच ऑफ द हेलिक्स है उसको हम नंबर ऑफ द बेस पेयर्स से डिवाइड कर देंगे, एंड विल गेट द आंसर 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, मतलब कि एक टर्न की लंबाई कितनी है जिसको हम पिच ऑफ द हेलिक्स कह रहे हैं, दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर, और हर एक टर्न में बेस पेयर्स कितने हैं, 10 बेस पेयर्स हैं. ठीक है, तो एक बेस पेयर के डिस्टेंस, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3.4 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर्स. ठीक है, सो यू कैन सी अ वन टर्न. ठीक है, ये वन टर्न है जिसमें क्या है, 10 बेस पेयर्स होने चाहिए, और पूरी इसकी इतने की डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर्स. ठीक है, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी दिस डिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.3 नैनोमीटर. तो दीज आर द सम डेटाज विच यू मस्ट रिमेंबर. और टोटल डायमीटर जो है वो चौड़ाई कितनी होती है, दैट इज़ 2 नैनोमीटर्स. सो वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो टर्न है, ये जो एक टर्न है इसकी लंबाई कितनी है, 3.4, इसमें टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, 10 है. ठीक है, तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, एंड द डायमीटर इज 2 नैनोमीटर्स. सो ये जो है वो बी डी एन ए की नेचर हो गया, या बी डी एन ए का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कि पहला क्या है वो राइट हैंडेड ट्विस्ट होगा, दूसरा क्या है पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर होगा. ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स वो 0.34 होगा, टोटल बेस पेयर पर टर्न्स जो है वो 10 होते हैं, एंड द डायमीटर इज 2 नैनोमीटर्स. तो मोस्ट ऑफ द डी एन ए जो होते हैं, दैट इज एक्चुअली द बी डी एन ए. ओके, मोस्ट ऑफ द डीएनए इज़ बी. उसके अलावा ए डीएनए और जेड डीएनए भी होते हैं. कभी कभी बहुत ज़्यादा जब सेल डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है. सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए ए एंड जेड डीएनए. सो द पिच ऑफ द हेलिक्स इन बी डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर, ए डीएनए इज 2.86 नैनोमीटर, एंड जेड डीएनए इज 4.4 नैनोमीटर्स. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जेड डीएनए में जो टर्न है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है. हेलिक्स जो है वो बी डी एन ए इज़ राइट हैंडेड, ए डी एन ए इज़ ऑल्सो राइट हैंडेड, बट जेड डी एन ए इज़ लेफ्ट हैंडेड डी एन ए. डायामीटर ऑफ बी डी एन ए इज 2 नैनोमीटर, देन द डायामीटर ऑफ ए डी एन ए इज 2.6 नैनोमीटर, एंड जेड डी एन ए इज 1.8 नैनोमीटर. मीन जेड डी एन ए सबसे पतला है, कम डायामीटर का है. बेस पेयर पर टर्न्स इफ़ यू टॉक अबाउट, बी डी एन ए हैज़ 10 बेस पेयर पर टर्न्स, ए डी एन ए हैज़ 11 बेस पेयर पर टर्न्स, एंड जेड हैज़ 12 बेस पेयर पर टर्न्स. दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी डी एन ए, ए डी एन ए एंड जेड डी एन ए ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए. सो दिस इज़ द डबल हेलिक्स मॉडल विच वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आर एन ए, तो आर एन ए और डी एन ए में मोस्टली चीज़ें सेम ही होती हैं. बस डिफरेंस कहाँ होगा कि डी एन ए जो है वो दो चेन का बना होता है, दैट इज़ डी एन ए इज़ मेडअप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है, विच आर हेलिकली वाउंड राउंड. लेकिन आर एन ए जो होता है वो सिर्फ एक ही चेन का बना होता है. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि शुगर में डी एन ए का जो शुगर है, दैट इज़ डी ऑक्सीडाइबोज शुगर, विच इज़ नॉट हैविंग वन ऑक्सीजन एट द
सेकेंड पोजीशन, लेकिन आरएनए के शुगर में जो होता है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, दैट इज़ द सेकेंड डिफरेंस. ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि आरएनए में जो एडेनिन है वो किससे पेयर होगा, एडेनिन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी थायमिन की जगह जो है हमेशा यूरेसिल पाया जाएगा. ठीक है, थायमिन विल नॉट बी प्रेजेंट इन आरएनए बट इंस्टेड यूरेसिल विल बी प्रेजेंट इन आरएनए. ओके, और अनदर थिंग इज कि द आरएनए जो होता है उसका काम क्या होगा कि दैट रीड्स द कोड ऑन द डीएनए और उसके हिसाब से फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आरएनए. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड. डीएनए इज हैविंग वन ऑक्सीजन लेस एट द सेकेंड पोजिशन इन द पेंटोज शुगर बट आरएनए इज हैविंग वन ऑक्सीजन मोर. ठीक है, देन इन आरएनए जो होगा द यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन. ओके, सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. बाकी न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा. जो जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व है ऑल दोज बॉन्ड्स विल ऑल्सो बी सेम एज इन द डीएनए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए. यू कैन सी द दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. Okay, so these are some simplified diagrams which you can practice. And this is a single polynucleotide chain. Okay, so this was all about the nucleic acid structures. Hope you all got it. Thank you.